नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ करेंगे, जहां पर पिछले दो हफ्तों की तेजी के बाद इस हफ्ते की शुरुआत तेजी के साथ हुई है। कच्चा तेल दो हफ्ते के हाईस पर कारोबार कर रहा है और बाजार की नजर यहां पर रहेगी चीन से आने वाले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के डेटा पे, वहां से फर्दर डायरेक्शन बनती हुई नजर आएगी। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर पिछले तीन हफ्तों में लगातार गिरावट देखने को मिली है, लेकिन याद रहे कि इस हफ्ते यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है, तो इमीडिएट रिएक्शंस वहां से आएंगे। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स फिलहाल यहां पर 10 हफ्ते के हाईस पर कारोबार कर रहा है और उसका असर भी हमने यहां पर बनता हुआ देखा है। साथ ही बात करेंगे यहां पर कॉटन की, जहां पर भावों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो गिरावट है, लेकिन इन भारतीय बाजारों में यहां पर तेजी बनती हुई नजर आई है। किस तरह की सप्लाईज है, कैसी डिमांड है मिल्स की तरफ से, उस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ है निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी और कॉटन पर बात करने के लिए डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेक्सरिया जुड़ेंगे हमारे साथ ब्रेक के बाद। लेकिन शुरुआत कच्चे तेल के साथ ही कर लेते हैं। जतिन, आप भी क्या खरीदारी की साइड रहेंगे कच्चे तेल पर, और कच्चे तेल के साथ क्विक कमेंट नेचुरल गैस पर भी, जहां पर प्राइसेस हम कंसिस्टेंटली अंडर प्रेशर ही देख रहे हैं। रिकॉर्ड आउटपुट यूएस में, डिमांड वीक, क्या व्यू दोनों पर है? दीपा, इस तरह से क्रूड ऑयल का मार्केट जो है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड और वोलेटाइल है, लेकिन बाइंग साइड की जो प्रेफरेंस है मैं थोड़ा सा प्रेफर करूंगा यहाँ पर। जिस तरह से मार्केट ने रिएक्शन दिया है पिछले डेटा को अगर हम देख लें, और आगे चल के जिस तरह से यूएस डेट क्राइसिस के ऊपर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी का यहाँ पर रुझान मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है अभी भी और जो पॉजिटिव रैली है वो ड्यू है। 6,150 मुझे लग रहा है इस हफ्ते आपको देखने मिलने चाहिए क्रूड ऑयल के अंदर, और प्राइसेस जब तक 5900 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक ये एक पॉजिटिव जोन रहेगा कमोडिटी मेरे लिए। सो बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपने 6000 के आसपास के लेवल्स मुझे बेहतरीन लग रहे हैं ट्रेडिंग पर्पस से, 5900 के स्टॉप लॉस के साथ में 6200 के टारगेट्स के लिए। और नेचुरल गैस का काउंटर थोड़ा सा और वॉलेटाइल है, लेकिन जिस तरह से दो हफ्ते से हम देख रहे हैं कि इसका जो ट्रेड है एक रेंज के अंदर ट्रेड होते हुए देखने मिल रहे हैं, जहां पर 190 का एक सपोर्ट है प्लेस्ड है, और हायर लेवल्स पे 215 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस प्लेस होते हुए देखने मिल रहा है। तो नेचुरल गैस का काउंटर थोड़ा सा डिप मिलता है, बड़ा तब एंटर लेना है अराउंड 190 के आसपास, और हायर साइड पे 210-215 के टारगेट्स। ऑलराइट, लेकिन अब बात कर लेते हैं बुलियंस की, जहां पर सोने पर सबसे पहले नजर आ ले तो 60,000 के नीचे भाव अभी बने हुए हैं, 59,400 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लैक ऑफ पॉजिटिव ट्रिगर्स और साथ ही साथ लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंडिंग की वजह से भी ये प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जतिन, क्या व्यू इन लेवल्स से, इन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करेगा या यहां से किस तरफ का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दीपक, थोड़ा सा नेगेटिव व्यू पॉइंट जरूर बना हुआ है इमीजिएट बेसिस पे, शॉर्ट टर्म में जो व्यू पॉइंट थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन आज के दिन और कल के दिन दो दिन के अंदर मैं एक पुल बैक देख रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है कि प्राइसेस यहाँ से नीचे आए, और अभी कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट भी नहीं है जहां से प्राइसेस पे यहाँ से प्रेशर दिखने मिले। 59,800 के आसपास जो प्राइसेस रहते तब मैं ज्यादा एग्रेसिवली शॉर्ट करने की सलाह दूंगा, यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस के आसपास जरूर बाय करके चल सकते हैं। नीचे साइड के जो लेवल्स जहाँ पर सपोर्टेड है मुझे लग रहा है 59,200, 59,150 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स आपको देखने मिलेंगे इन द नेक्स्ट टू डेज। आज जैसे वैसे तो यूएस की हॉलीडे है, लेकिन साइडवेज मोमेंटम जो इवनिंग सेशन में जरूर देखने मिलेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ जो 5 बजे तक की जो मार्केट है जहाँ पर रूपी मार्केट ओपन है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा और बाइंग जो देखने मिल सकता है। 59,700 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना, ये मेरी सलाह रहेगी। सो ये कॉन्ट्रा बैट रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा वीक जरूर है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर 1 से 2 दिनों का जो व्यू पॉइंट लेकर चलते हैं उनके लिए, तो बाइंग करके चले हायर साइड पे, लेकिन प्रॉफिट में तुरंत बुक करना है ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव ट्रैक्शन जरूर बनना होगा। एब्सोल्युटली, और जैसे कहा भी जतिन ने कि आज यूएस मार्केट्स बंद हैं, यूके मार्केट्स भी शट हैं, तो बेसिकली एशियन मार्केट्स के बाद यहां पर पार्टिसिपेशन काफी कम होता हुआ नजर आएगा, तो मूव्स एग्जैजरेटेड यहां पर रह सकती हैं। जतिन, आपका कोई टॉप ट्रेड विद इन मेटल्स, चाहे वो जिंक है जो कि ओवरसोल्ड है, अंडर परफॉर्मर भी है, या फिर एल्यूमिनियम जहां पर हमने एक रेंज बनती हुई देखी है? मनीषा, वैसे तो व्यू पॉइंट मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो ब्रॉड ट्रेंड वीकनेस का था मुझे लग रहा है एक पॉज में रहेगा, एक बाउंस बैक जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, लेकिन एक सेफ ट्रेंड के हिसाब से मैं एक अपॉर्चुनिटी यहां पर देखा है मैंने जो लास्ट वीक हुई थी। जिंक और एल्यूमिनियम के बीच में जो स्प्रेड होता है यहाँ पर वो एक न्यूट्रल स्प्रेड पे आ गया था, जहां पर दोनों के प्राइस 208 के आसपास ट्रेड करने देखने मिल रहे थे, और आज के दिन में मुझे लग रहा है अभी ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप जिंक बाय करके चले और एल्यूमिनियम सेल करके चले। जो भी हेजिंग को यूज करता है उनके लिए एक बेस मेटल है जी इंटर कमोडिटी के अंदर ही, तो यहाँ पर जिंक स्ट्रॉन्ग बाय, एल्यूमिनियम सेल,
और इसकी जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी है वो विद इन टू मंथ्स आपके बुक्स में देखने शुरू हो जाएगी कि जहां पर आपको स्प्रेड जो आराम से आपको 15 से 20 पॉइंट्स का या रुपीज का जो है वो प्रॉफिट दे देगा। तो स्प्रेड को अपनाइए, 2 महीने के बाद हम फिर से इसी टॉपिक पे बात करेंगे मनीषा जी, और आपको ये प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने मिलेगी। ओके चलिए, तो ये रही बेस मेटल्स के लिए, और ये जतिन का व्यू है जहां पर एल्युमिनियम सेल जिंक पॉजिटिव, जिंक में बाय करने का सजेशन वो दे रहे हैं। लेकिन रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक लिए, ब्रेक उस पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, खासतौर से चर्चा करेंगे कॉटन की, एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं।